आज के इस ई कंटेंट के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे द्विवेदी युग के राष्ट्रीय काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि राष्ट्रकवि मृतशरण गुप्त के द्वारा रचित यशोधरा काव्य में संकलित उसकी कविता के बारे में, जिसके कुछ हंस कोटा विश्वविद्यालय के कला स्नातक तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में शामिल किए गए हैं। यशोधरा काव्य से अवतरित जो हंस जो पद्यांश संकलित किए गए हैं वह इस प्रकार से हैं। सिद्धि हेतु स्वामी गए, सिद्धि हेतु स्वामी गए ये गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यही बड़ा व्याघात। सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपनी पत वादा ही पाते। मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना। मैंने मुख्य उसी को जाना जो वे मन में लाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। यहाँ पर कवि ने गौतम बुद्ध के जीवन के उद्देश्य और उनकी पत्नी यशोधरा के पतिव्रता धर्म का सूक्ष्म विश्लेषण करते हुए चित्रण किया है। भारतीय नारी के आदर्श को इस पद्यांश के माध्यम से हमारे सामने रखा है। जब गौतम बुद्ध अपनी पत्नी यशोधरा को बिना कुछ बताए ही बोध अर्थात ज्ञान की प्राप्ति के लिए घर से चुपचाप निकल जाते हैं, और उनके चले जाने के बाद जब यशोधरा को ये पता चलता है कि मेरे स्वामी अर्थात गौतम बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति के लिए मुझे बिना कुछ बताए ही चोर की भांति चुपचाप चले गए हैं, इस घटना से यशोधरा की आत्मवेदना आत्मपीड़ा व्यक्त होती है और वह स्पष्ट शब्दों में कहती है कि मैंने अपने जीवन का एकमात्र ध्येय अपने स्वामी को ही माना था, उनकी हर इच्छा को पूरी करने के लिए मैं हमेशा कृत संकल्प रहती थी, लेकिन हे सखी मेरे लिए ये बड़े ही दुख की बात है, बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि आज मेरे स्वामी मेरे पति महान कार्य की सिद्धि के लिए घर से निकले हैं लेकिन मुझे बिना बताए ही चले गए हैं, निकल पड़े हैं। यही मेरे लिए सबसे बड़ी दुख की बात है। अगर वह मेरे को अपने लक्ष्य के बारे में अपनी जीवन की जो वास्तविकता है जो उद्देश्य हैं उसके बारे में बता करके जाते तो मैं किंचित मात्र भी उनके लक्ष्य के मार्ग के अंदर बाधा उत्पन्न नहीं करती। वो अपनी सखी से कहती हैं कि सिद्धि हेतु स्वामी गए ये गौरव की बात, हे सखी मेरे जो स्वामी हैं मेरे जो पति परमेश्वर हैं वह सिद्धि के लिए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यहाँ से चले गए हैं, ये मेरे लिए बड़े ही गौरव की बात है, गरिमा की बात है, गर्व करने योग्य बात है। किंतु मेरे स्वामी चोरी चोरी अर्थात मुझे बिना कुछ बताए ही घर पे छोड़ करके चले गए हैं, मेरे पर विश्वास नहीं किया, यही मेरे लिए सबसे बड़ा व्याघात या सबसे बड़ी वेदना है, पीड़ा है। मेरे लिए सबसे बड़ा दुख इसी बात का है कि वह मुझे बिना कुछ बताए चुपके से चले गए हैं। सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपनी पत बाधा ही पाते। हे सखी यदि मेरे पति को जाना था, सिद्धि प्राप्ति करनी ही थी,
तो वह मुझसे कह करके जाते तो क्या मुझे वह अपने सिद्धि प्राप्ति के मार्ग की बाधा पाते। अर्थात यदि वह मुझसे कह करके जाते तो क्या मैं उनके मार्ग की बाधा बनती। यशोदरा स्पष्ट रूप से प्रसन्न वाचक शैली में कहती है कि हे सखी, यदि मेरे पति अपनी सिद्धि की प्राप्ति के लिए, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मुझे बता करके जाते तो निश्चय ही मैं उनके मार्ग की बाधा कभी भी नहीं बनती, अर्थात उनको शहर से जाने के लिए तैयार हो जाती और उनको जाने देती। मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना। मैंने मुझे उसी को जाना जो वे मन में लाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। हे सखी, मेरे पति ने, मेरे स्वामी ने मुझे बहुत कुछ समझा है, बहुत कुछ माना है, फिर भी वह मुझे पूरा नहीं पहचान पाए हैं। अर्थात वह मेरे कर्तव्य अकर्तव्य पतिपरायण धर्म के बारे में अच्छे से नहीं समझ सके हैं। मैंने मुख्य उसी को जाना जो वे मन में लाते। यशोदा स्पष्ट कहती है कि मैंने अपने जीवन में उस चीज को ही मुख्य समझा जो मेरे स्वामी को अच्छी लगती थी। उनके मन की हर बात को मैंने सहज स्वीकार किया। उनके जीवन के हर कार्य में मैंने भरपूर सहयोग दिया, लेकिन मेरे लिए ये बड़े दुख की बात है कि आज वह मेरी उस समता को, मेरे उस पतिपरायण धर्म को, मेरे उस कर्तव्य निष्ठा को, भारतीय नारी के आदर्श को नहीं समझ पाए हैं और बिना कुछ बताए ही चोरी छिपके मुझे घर में अकेला छोड़ करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निकल पड़े हैं। यहाँ पर इस पद्यांश में यशोदा अपनी सखी को स्पष्ट बता देती है कि भारतीय नारी कभी भी अपने पति के लक्ष्य की प्राप्ति के मार्ग में बाधा नहीं बनी है। इसीलिए वह निडरता के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी सहेली से कहती है कि अगर मेरे पति मुझे बता करके जाते तो मैं भी एक सामान्य भारतीय नारी की तरह आदर्श की स्थापना करते हुए, अपने पति को ये सब कुछ मानते हुए, उनके लक्ष्य में, उनकी सिद्धि के प्राप्ति के मार्ग में स्वयं को बाधा न बनने देती और उन्हें सहर्ष जाने के लिए मैं अपने हाथों से विदा कर देती। लेकिन यशोदरा की जो आत्मवेदना है, आत्मपीड़ा है, वह प्रकट होती है और वह बताती है कि मेरे पति ने मुझे इस योग्य भी नहीं समझा। इसलिए हे सखी, मेरे लिए सबसे बड़े दुख की बात यही है कि वह मुझे बिना बताए घर से चले गए। यदि वह मुझसे कह करके जाते तो मैं कभी भी उनके सफलता के, उनके लक्ष्य के, उनकी सिद्धि के मार्ग की बाधा नहीं बनती। इस पद्यांश में भारतीय नारी की आदर्श गरिमा, आदर्श कर्तव्य प्रायणता, पतिव्रता धर्म प्रायणता जैसे लक्षणों को प्रकट किया गया है। निश्चित रूप से गुप्त जी के द्वारा लिखी गई यशोदरा जो काव्य है, उनकी इन महत्वपूर्ण पंक्तियों में यशोदरा स्वयं भारतीय नारी के आदर्श को प्रस्तुत करती है। तो आज के इसी कंटेंट में हम इतना ही समझ पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।